हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ही हेल्दी डिश। हम आज बनाएंगे बाजरे के आटे से एक नई हेल्दी और टेस्टी डिश, जो कि बनाने में एकदम ही आसान है और जल्दी बन जाती है। तो चलो बनाते हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ गाजर, मटर, मेथी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया। मतलब ये बहुत ही हेल्दी होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक कटोरी बाजरे का आटा और आधी कटोरी चावल का आटा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको मिक्स करूंगी पानी से। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक पेस्ट तैयार करनी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको भिगोना है, पेस्ट तैयार करनी है। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। ये हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक गाजर बारीक किसा हुआ, धनिया, मटर के दाने। और इसमें मैं मिला रही हूँ मेथी, जो मैंने धो के काट के रख दी थी वो मेथी भी इसमें डाल दूंगी, से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। और इसमें एक टमाटर भी डाला हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और हेल्दी भी रहेगा। ये देखो, ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन ली हुई है, जो हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो, ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमें इसको पकाना है, तो हम इसको पकाएंगे अप्पे के पैन में। उसमें सभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ। इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और इसमें मैं तेल में डाल दूंगी अभी तिल। ये देखो, ये पूरा तेल डाल दिया। अब हम डाल देंगे इसमें ये बैटर। ये अप्पे के सांचे में अच्छे से पक जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे ही इसको पूरे इसमें डालना है। बहुत ही हेल्दी ऐसे नाश्ता बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और बच्चों को आप टिफिन में भी ये दे सकते हो और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। ठंडी के दिनों में अगर कुछ गर्मा गर्म खाना हो तो आप इसको जल्दी से बना के खा सकते हो। ये डाल के हो गया है। अब हम इसको ढक के 5 मिनट तक के पकने देंगे। ये देखो, ये नीचे से पक चुके हैं। अब हम सारे अप्पे उल्टे कर देंगे ताकि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। इसमें तेल कम भी डाला तो भी चलता है, लेकिन मैंने तिल की वजह से उसको ज़्यादा डाल दिया, उससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। ये
ये देखो ये पलटा के हो गए। अब इसको हम फिर से 2 मिनट तक के पकने देंगे। ये देखो ये दोनों तरफ से अच्छे से पक रहे हैं। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक के पकने देंगे। दोनों तरफ से ब्राउन होने तक के पकने देना है तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखो ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, मस्त दिख रहे हैं। चलो अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। ये देखो ये बन गए हमारे अप्पे, अच्छे दिख रहे हैं दोनों तरफ से। ये देखो ये तिल की वजह से इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है और इसमें गाजर, मटर, मेथी, इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। और अब हम ये खाएंगे टोमेटो सॉस के साथ।